हेलो गाइस, मैं आशीष कुमार आसियाना इंटर से। दिस इज़ आवर अनदर वीडियो अबाउट ऑफिस डिज़ाइन एंड डेकोरेशन इन 200 स्क्वायर फीट। तो इस वीडियो को मैं आपको पूरा दिखाऊंगा कि हम लोगों ने क्या क्या किया है यहाँ पे। और ये हमारा एक प्रोमोटर का ऑफिस है और ये कोलकाता में लोकेटेड है। तो चलिए मैं आपको वीडियो में इसका वॉक थ्रू करा देता हूँ, दिखा देता हूँ कि हम लोगों ने क्या क्या किया है। दिस इज़ आवर MD टेबल। ये हमारा MD चेम्बर है और यहाँ पे जो ऑनर है ये उनका ये इनसाइड चेयर हो गया। और ये आप जो इसे देख रहे हैं ये हमारा MD डेक्स है। जो कि हमने इसका जो फिनिश किया हुआ है ये आप देखेंगे, ये वाइट एंड ग्रे के कॉम्बिनेशन में है। और यहाँ पे टॉप देने के बाद इधर हम लोगों ने ये डाउन रखा है। ये फाइल और बुक सेल्फ वगैरह आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि आप नीचे में यहाँ पे देख रहे हैं पूरा। और यहाँ पे हम लोगों ने एक फ्लावर बेस रखा है जो कि एक नेचुरल लुक क्लाइंट को पसंद है, ग्रीनिश थोड़ा हमारे क्लाइंट को चॉइस था, तो इसके हिसाब से हम लोगों ने यहाँ पे आप देख सकते हो। और अगर मैं आपको इस साइड दिखाऊं तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे हम लोगों ने फाइल कैबिनेट, जैसे कि आप नीचे तक देखोगे तो ये पूरा फाइल कैबिनेट हमारा है। और यहाँ पे हम लोगों ने ये एक आपका कंफर्टेबल चेयर जो कि लुक वाइज दिखने में बहुत ही आपको कंफर्टेबल होगा। ये पूरा इनका बैक पैनल में ये फाइल कैबिनेट और पूरा आपका शोपीसेस रखने के लिए, कुछ भी हाइलाइटर करने के लिए आप देख सकते हैं। और ऊपर में अगर बात करेंगे तो ये पूरा ग्रे कलर का पैनल हम लोगों ने किया है जो कि लाइट और मतलब लाइट के हिसाब से, कंट्रास्ट के हिसाब से ये बैलेंस रखता है सारे में। रैक के नीचे में हम लोगों ने प्रोफाइल लाइट यूज़ किया है जो कि एक अलग ही लुक यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और ये एक जो भी आप यहाँ पे एंटीक पीस या फिर कुछ भी रखते हैं तो ये लाइट बहुत ही आपको हिडन लाइट जिसको हम लोग बोल सकते हैं, आपको सिर्फ लाइट का ग्लो दिख रहा है यहाँ पे। ये पूरा ही कस्टमाइज है, ये सारा हमारा वीनियर के ऊपर वर्क है और ये प्यू पॉलिश के ऊपर हमारा फिनिशिंग का वर्क हुआ है। और अगर मैं बात करूं सीलिंग की तो यहाँ पे आप देखोगे पूरा हम लोगों ने इसका एक पैसेज रखा है। तो पूरा यहाँ पे हम लोगों ने एक पैसेज में ये जो 3 फीट का पैसेज है यहाँ पे हम लोगों ने वुडन का स्ट्रिप देके इसको हाईलाइटेड किया है वुडन कलर में, जो कि लुक वाइज वाइट के साथ जो आप वाइट सीलिंग है इसके साथ ये ब्राउन कलर का जो सीलिंग है ये बहुत ही अच्छा लुक दे रहा है यहाँ पे। और इस पैसेज में हम लोगों ने पैनल लाइट को लगाया है दोनों साइड में। अगर आप एंड में देखेंगे यहाँ पे और उस साइड में तो ये हम लोग 1.5 इंच का 2 इंच का प्रोफाइल लाइट है जो कि एल्युमिनियम LED प्रोफाइल है और उसके अंदर में हम लोगों ने स्ट्रिप लाइट दिया है लाइट को बैलेंस करने के लिए और लुक वाइज डिजाइन के लिए हमने यहाँ पे इसको यूज किया है। इनके लिए सिर्फ इस एरिया के लिए, इस टेबल को फोकस करने के लिए यहाँ पे हम लोगों ने स्क्वायर शेप में यहाँ पे LED एल्युमिनियम का प्रोफाइल लाइट, हैंगिंग लाइट यहाँ पे हमने यूज किया है जो कि सिर्फ टेबल को फोकस कर रहा है। यहाँ पे आपको लाइट मिल रहा है इस एरिया को। 2 चेयर दिया है विजिटर्स के लिए, अगर सर के साथ कोई मिलना चाह रहे बैठ रहे हैं तो यहाँ पे हम लोगों ने 2 प्रोविजन ऑफिस के लिए चेयर दिया है। यहाँ पे हम लोगों ने इसके पीछे में एक सोफा दिया है जो कि आप यहाँ पे कोई भी आते हैं, अगर 5 से 6 लोग आते हैं तो यहाँ पे आराम से बैठ के बात कर सकते हैं या फिर सर भी यहाँ पे बैठ के आराम से न्यूज़ वगैरह TV में देख सकते हैं। और अगर मैं इस साइड की बात करूँ तो यहाँ पे आप देख रहे हो पूरा रैक में भी यहाँ पर हम लोगों ने ओपन रैक दिया है ताकि आप इसको कुछ यूज़ में ला सकते हैं। यहाँ पे एक कोप था हमारा तो मैंने सोचा यहाँ पे हम लोगों ने क्यों ना ओपन रैक दे दे, जहाँ पर भी कुछ भी आप एंटिक पीस या फिर बुक सेल्फ या फिर फोटो फ्रेम्स, अवार्ड फ्रेम्स, ये सब आप यहाँ पे रख सकते हो जो कि आप सारे कोप मतलब जब सारे ट्रे में आपको लाइट मिलता है। स्ट्रिप लाइट देके हम लोगों ने एल्युमिनियम प्रोफाइल दिया है। और अगर मैं इस सोफे की कलर की बात करूं तो इसको हम लोगों ने एक कलर में रखा है और ये पूरा ही कस्टमाइज है, ये पूरा ही हम लोगों का जगह के हिसाब से हम लोगों ने इसको कस्टमाइज किया है। और ये है हमारा 3 लोगों के लिए 4 लोगों के लिए, लेकिन इसको हम लोगों ने 2 यहाँ पे पार्ट करके इसको हम लोगों ने ऐसा लुक दिया है जैसे कि आप देख रहे हो। और अगर पीछे में आप देखोगे तो इसके पीछे में पूरा प्योर वाइट आपको यहाँ पे जाली देखने को मिल रहा है, CNC जाली जो कि वॉल पैनलिंग के लिए हम लोगों ने यहाँ पे लगाया है। और इसका लुक जो है
बहुत ही सुंदर आ रहा है व्हाइट के साथ ये जो कलर कॉम्बिनेशन है। सारा ही ट्रे में ऊपर में यहाँ से हम लोगों का पैनलिंग करने के बाद ये एकदम लुक आपका ऊपर में ग्रुप दिया है हम लोगों ने, आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे ये आपका डोर है, ये डोर हम लोगों का एक, इसके पीछे हम लोगों का एक एंट्रेंस है रूम में जाने के लिए, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन अगर आप ऊपर में वहाँ पे देखोगे तो ये पूरा ही हम लोगों ने ग्रुप करके रखा है आपको, ताकि ये कहीं से भी ना लगे कि यहाँ पे हम लोगों ने दरवाज़ा दिया है। सिर्फ आपको हैंडल देख के ही पता चलेगा कि यहाँ दरवाज़ा है, लेकिन ये एक दूसरे के साथ ये वॉल पैनल पूरा ही मैच हो गया है। मतलब कहीं से भी आपको सेपरेट हम लोगों ने डोर नहीं दिखाया है, क्योंकि जाली में भी आप देखोगे पूरा में ग्रुप है 12 mm का, तो ये पूरा ग्रुप हम लोगों ने ग्रे कलर में भी दे के रखा हुआ है। और ये स्क्वायर जो है ये 16 इंच बाई 16 इंच का हम लोगों ने यहाँ पे ग्रुप किया है। और अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पे हमारा इस केबिन के लिए हमने यहाँ पे टीवी पैनलिंग का प्रोविज़न रखा है, और यहाँ पे हमारा ये टीवी हम लोगों ने लगाया है। और ये पूरा यूज़ हम लोगों ने कलर का, जो अगर मैं बात करूँ तो ये हमारा नेचुरल विनियर्स के ऊपर में हम लोगों ने प्यू क्लियर पॉलिश किया है, और जैसे हम लोगों ने वहाँ पे ग्रे कलर किया था ये मिडिल में हम लोगों ने ग्रुप करके यहाँ पे हम लोगों ने ये पूरा स्ट्रेट हम लोगों ने पैनल को पूरा सीलिंग तक उठाया है। तो यहाँ पे आपको ड्रायर देखने को मिल जाता है स्टोरेज पर्पस के लिए। और अगर मैं ये भी देखूं तो ये भी आपको ड्रायर मिल जाता है, सारा सॉफ्ट क्लोज में है। और यहाँ पे हम लोगों ने ओपन रैक दिया है जहाँ पे आप सेटअप बॉक्स, कैमरा का DVR वगैरह आप आराम से रख सकते हो। यहाँ पर भी हमने जैसे आपको बताया कि क्लाइंट को हमारा नेचुरल ज़्यादा पसंद है, तो इसके हिसाब से हम लोगों ने यहाँ पे आर्टिफिशियल प्लांट्स वगैरह यहाँ पे पुट किया है। ये जो दोनों कॉलम आप देखोगे, ये दोनों कॉलम को हाइलाइटेड करने के लिए यहाँ पे हम लोगों ने दोनों साइड में हम लोगों ने यहाँ पे वॉल लैम्प हमने यहाँ पे लगाया है। और यहाँ पर हमने इसके साथ एक सिंगल पल्ला दिया है जिसे आप यहाँ पे, यहाँ पर भी हम लोगों ने सामने का जो एरिया है गुड लुकिंग के लिए हम लोगों ने यहाँ पे डिजाइन के लिए हम लोगों ने यहाँ पे पैडिंग यूज किया है। ये पूरा कस्टमाइज पैडिंग है, टेबल का जो MD चेयर है उसके फ्रंट में हम लोगों ने ये वाला यूज़ किया है, और इसके नीचे में हम लोगों ने इनडायरेक्ट लाइट प्रोफाइल के साथ हम लोगों ने यहाँ पे स्ट्रिप लाइट का यूज़ किया है जो कि डायरेक्ट फ्लोर में पड़ रहा है और पैडिंग में पड़ रहा है, जिसका लुक बहुत ही सुंदर आ रहा है देखने के बाद। और अगर मैं आपको विंडो में लेके जाऊँ तो ये हमारा ब्लाइंड्स जो है ये हमारा सारा कस्टमाइज है, और ये रोलर ब्लाइंड्स अभी बहुत सारा डिजाइन्स में आता है, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने ऑफिस पर्पस में ये हम लोगों ने पूरा सिंपल ही यहाँ पे सिर्फ दो कलर में हम लोगों ने दिया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो। और ये जो आप पैनल देख रहे हो, पैनल में आपको ये जो प्रोफाइल है ये हम लोग ट्री प्रोफाइल बोलते हैं, अगर हम लोग इसको प्लेन रखते तो इसका लुक इतना अच्छा नहीं आता, तो इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है, ये हम लोग का 8 mm का ट्री प्रोफाइल है, इसको इनले भी बोलते हैं। तो ये प्लेन कलर को हाइलाइटेड करने के लिए हम लोगों ने जिग जैक लाइन में हम लोगों ने यहाँ पे टी प्रोफाइल को यूज़ किया है। अगर आप दूर से इसको देखोगे तो पूरा एक इसका जो बैलेंस है, पैटर्न जो है, ये आपको बहुत ही अच्छा लगेगा दिखने में, और इसमें जो लाइट का इफेक्ट पड़ता है तो इसका जो रिफ्लेक्शन मिलता है आपको वो फिर इसका एक अपने आप में एक गेटअप आता है। इस ऑफिस रूम के बाद भी हमारा एक रेस्ट रूम है जो कि इसी के साथ हमारा अटैच है, तो मैं उसका भी वॉक थ्रू आपको दिखा देता हूँ कि हम लोगों ने इसमें क्या किया है। ये आपका एक ऑफिस रूम था और ये हमारा एक रेस्ट रूम है, तो यहाँ से हमारा डोर है, यहाँ से हम अंदर चलते हैं और मैं आपको अंदर आके दिखाता हूँ। जब सबसे पहले अगर आप यहाँ पे आएंगे तो आपको सबसे देखने को पहले मिलेगा ये लैम्प। अगर आप ये हैंगिंग लैम्प को देखोगे तो ये एंटिक लुक में है और ये पूरा मॉडर्न पैटर्न में है, तो ये अपने आप में एक डिज़ाइन है, ये पूरा ही एक मॉडर्न लुक में आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आप सामने में देखोगे 3D पैनल जो कि ये जिप्सम का पैनल है, और ये बैक हेड वॉल के बैक में हम लोगों ने इसको यूज़ किया है एज ए हाइलाइटर। और अगर आप ऊपर तरफ से देखोगे तो ये पूरा हम लोगों ने पैनल किया है, पूरा यहाँ से साइड टेबल से उठने के बाद ये पूरा कंटिन्यूस पैनल वॉल तक चला गया है, ये वॉल के एंड में तक चला गया है। इस कॉर्नर में हम लोगों ने यहाँ पे एक कैबिनेट रखा है जो कि वार्डरोब है, कुछ भी क्लॉथ वगैरह स्टोर करके रखने के लिए
कपबोर्ड हम लोग बोल सकते हैं, और उसके ऊपर में एक फ्लावर पॉट था। एक वॉल में दो फोटो फ्रेम्स, कैनवास फोटो फ्रेम्स हम लोगों ने यहाँ पे दिया है, और इसके साथ में ही हम लोगों ने दो सिलेंडर वॉल लाइट स्पॉट लाइट दिया है। तो ये हमारा एक बेड है रेस्ट करने के लिए, और ये जो बेड है, बेड ये आपका सिंगल बेड है, और यहाँ पे हम लोगों ने ये हेडबोर्ड दिया है, जो आप कलर देख रहे हो ये ग्रे कलर का, ये हमारा हेडबोर्ड हम लोगों ने यहाँ पे बनाया है। और ये जो बेड है ये सिंगल बेड है, और इसमें हम लोगों ने 8 इंच का मैट्रेस दिया है, और जैसे कि आप कलर भी आप देख सकते हो ऑलमोस्ट बैलेंस एक दूसरे के साथ कर रहा है। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे हम लोगों ने साइड टेबल दिया है, जहाँ पे एक आपको स्टोर करने के लिए ड्रायर वगैरह मिल जाता है। और अगर मैं बात करूं इस रूम का सबसे बड़ा हाइलाइटर, तो ये आपको वॉल में एल्युमिनियम प्रोफाइल एलईडी प्रोफाइल, जिसको कि हम लोगों ने सीलिंग और वॉल को दोनों को अटैच करके हम लोगों ने यहाँ पे कस्टमाइज किया है। ये लाइट जब हम लोगों ने लगाया है इस पैटर्न में छोटा बड़ा करके स्मॉल एंड इसका जो ब्रेकअप है, तो एक दूसरे से सब लेवल में नहीं है, छोटा बड़ा करके हम लोगों ने दिया है। अगर आप सीलिंग में भी देखोगे तो एक कहीं छोटा है एक बड़ा है, और यहाँ पर भी आपको लेंथ में हाफ एंड फुल मिल रहा है। तो इसका जो कलर है, ये आप कलर इसका देखोगे तो बहुत ही सुंदर लग रहा है, और ये पूरा सीलिंग से लेकर वॉल तक हम लोगों ने उतारा है इसको, और इस रूम का बहुत ही इसका लुक गेटअप बहुत ही आपको अच्छा लगेगा जब ये आपका लाइट देता है। इसको आप डिमिंग भी कर सकते हो आप अपने हिसाब से। ये जो लॉन्जर है, सोफ़ा जो है, ये भी हमारा कस्टमाइज है, और ये हमारा आराम से इसमें आप 3 लोग बैठ के बात कर सकते हैं, ऐसे आराम से 3 जन यहाँ पे बैठ सकते हैं। और ये भी पूरा कस्टमाइज है, ये जगह के हिसाब से हम लोगों ने इसको बनाया है। ये कुशन, बैक कुशन, ये सब सारा ही आपको इसके साथ यहाँ पे इसके साथ अटैच है, और ये पूरा कॉर्नर में इसको हम लोगों ने सेपरेट पोजिशन में रख के इसको कस्टमाइज करके इसको डिज़ाइन किया है। तो इसका कंफर्ट भी आपको बहुत ही आराम, मतलब बहुत ही आराम है इसमें, हार्ड नहीं है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है, मीडियम में जो हम लोग का सोफ़ा होता है ऐसे ही हम लोगों ने यहाँ पे इसको यूज़ किया है। हमने आपको पूरा वाकथ्रू कराया। ये ऑफिस हमारा कोलकाता में लोकेटेड है, और ये प्रोजेक्ट जो था ये हमारा 200 स्क्वायर फीट में था, और ये पूरा हमारा रिनोवेट वर्क है। इसका भी मैं आपको क्लिप दिखा दूंगा कि ये ऑफिस कैसा था और हम लोगों ने इसको क्या बनाया है। तो ये हम लोगों ने पूरा प्लान में इसको 2D लेआउट करके, 3D डिज़ाइन करके, कस्टमर के साथ, क्लाइंट के साथ हमारा सारा मीटअप करके, सर भी जो थे मिस्टर मिथुन, उन्होंने भी बहुत ही सपोर्ट किया है हमारा ये टाइम में। उनका जो एक टेस्ट है, उनका भी जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा है। जो डिज़ाइन कॉन्सेप्ट है हम लोगों ने बैठ के मीटिंग करके इस चीज़ को फाइनलाइज़ किया है। एक एक मटेरियल भी अगर आप देखोगे तो वो क्लाइंट के साथ हम लोगों ने मिल के मीटिंग करके उसको फाइनलाइज़ किया है, ताकि हमारे एंड से और उनके एंड से दोनों ही अगर हम लोग मिल के काम करते हैं तो उसका एक आउटपुट आप देख सकते हैं। तो अगर आपको ऐसा कुछ भी इंक्वायरी होता है, हमारा काम कोलकाता में और खड़गपुर में होता है, तो अगर आपको ऐसा कुछ भी इंक्वायरी है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम लोग रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल सारे प्रोजेक्ट में हम लोग काम करते हैं टर्नकी बेसिस पे। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और बेल आइकन को आप दबा लीजिएगा, ताकि आने वाले समय में आपको ऐसे अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स देखने को मिलता रहे। और अगर आपका कुछ सुझाव है और कुछ कमेंट है तो ज़रूर बताइएगा, और हमारा जो ईमेल आईडी है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। बाय बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।